अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज तारिक, लेसन 72, इंग्लिश सेंटेंसेस इन उर्दू। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। I am very sorry to hear it. I am very sorry to hear it. I am very sorry to hear it. मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अब तुम कैसे हो? अब तुम कैसे हो? How are you now? How are you now? अब तुम कैसे हो? How are you now? आज मैं अच्छा हूँ। आज मैं अच्छा हूँ। I am better today. I am better today. आज मैं अच्छा हूँ। I am better today. तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। You should have told me. You should have told me. तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। You should have told me. मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। ये जुमला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। I did not like trouble you. I did not like trouble you. मुझे ये जुमला जो लिखा हुआ ये सही नहीं लगा, बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने एक अपनी तरफ से बना लिया। I did not have to trouble you. I did not have to trouble you. I did not have to trouble you. मैं तुम्हें ज़हमत नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। इन तीनों की इंग्लिश क्या है? I did not have to trouble you. I did not have to trouble you. Many students ask me to speak slowly. So I today I'm speaking slowly because I'm trying to figure this out, how am I speaking, because my speaking is very bad. And today our golden words, there are three golden words hain jo aaj main padhne ja raha hu. Pehla kya hai zara dekhen, innocent human being, masoom insaan. Who can answer any question in just two words? Who can answer any question in just two words? कौन है जो आंसर देगा किसी भी सवाल का सिर्फ दो लफ्जों में? कोई ऐसा जीनियस है? Anyone who answer any question in just two words? No? So I know about this. पता नहीं, इन उर्दू पता नहीं, इंग्लिश में कहते हैं डोंट नो, डोंट नो। जस्ट यू हैव टू से डोंट नो, डोंट नो। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज योर नेम, यू सेड डोंट नो। सो दिस इज, सो इट्स जस्ट किडिंग। सो दिस इज अ फनी कोट। एंड द सेकंड गोल्डन सेइंग इज, जस्ट लिसन केयरफुली, इट्स रिलेटेड टू यू ऑल। तमाम कुवारे लोगों से दरख्वास्त है ये ज़रूर सुने। लिसन केयरफुली बिकॉज इफ़ यू आर नॉट मैरिड, सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, अगर तुम दुनिया तब्दील करना चाहते हो, डू इट वाइल यू आर सिंगल, तो तब्दील कर दो जब तक तुम कुवारे हो। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड डू इट While you are single, जब तक आप कुआरे हो, इस दुनिया को आप बदल सकते हो। Once you married, एक दफ़ा आपकी शादी हो गई या एक दफ़ा आप शादीशुदा हो गए, You can't even
change the TV channel. You can't even change the TV channel. एक दफ़ा जब आपकी शादी हो गई तो आप टीवी का चैनल भी तब्दील नहीं कर सकोगे. दुनिया क्या तब्दील करोगे. इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड डू इट वाइल यू आर सिंगल. वंस यू आर मैरिड यू कांट इवन चेंज द टीवी चैनल. हैव यू अंडरस्टूड दिस. सो डोंट लाफ ओके. सो बिकॉज द लास्ट वन इज जस्ट फॉर प्रे. द विश आई विश फॉर यू इज दैट May your all wishes come true. It's really wonderful quote. Bahut pyara hai. The wish I wish for you is that may your all wishes come true. Khwahish, meri khwahish tumhare liye ye hai ki tumhari tamam khwahishe puri ho. Meri khwahish, khwahish मेरी ख्वाहिश तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी हों. द विश आई विश फॉर यू इज़ दैट मे योर ऑल विशेस कम ट्रू. होप यू इन्जॉय. इफ़ यू डोंट इन्जॉय सो आई डोंट डू समथिंग फॉर यू. आई डोंट डू समथिंग फॉर यू बिकॉज यू हैव टू इन्जॉय योर सेल्फ. बिकॉज यू हैव टू बी स्माइल. Because don't forget to smile. Because I want to see you happy. मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें. Just it's my request to be happy. No matter what are your problems. क्या मुसीबतें हैं आपकी ये मैं नहीं पूछूँगा. But keep happy. Keep happy. Keep getting happy. Sorry. Keep getting happy. Because जब भी keep लगाते हैं उसके साथ ing लगाते हैं ज़रूर है. So हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबको खुश रखें. Happy, be happy. Okay. So I wish you will be happy and I wish you don't forget. You will never forget to smile. मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप कभी मुस्कुराना नहीं भूलोगे. डोंट एवर फॉरगेट टू स्माइल. जस्ट स्माइल इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स. अपने वालिदैन के सामने मुस्कुराएं. इट इज़ माय विश यू शुड बी हैप्पी इन योर लाइफ. इट इज़ माय विश. मैं चाहता हूं कि आप खुश हों और आपको खुश होना चाहिए. बिकॉज दिस लाइफ इज़ वेरी टफ एंड You have to beat this life. You have to beat difficulties. Okay? आपको हराना है मुश्किलों को. So don't give up. Just you can do it and you will learn English one day. One day you will speak in English. One day you will achieve your goal. Whatever you want, you will get that thing. You will get whatever you want. जो भी आप चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा. Just believe in Allah and do work hard. Okay? Allah Hafiz. Take care. Remember me in your prayer. Remember me in your prayer and pray for my parents also. Okay? Allah Hafiz. Take care.